आरक्षण की आग ने न केवल प्रदेश को बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। देश की संपत्ति और आम जनमानस को हानि पहुंचाने वाले जाट समुदायों का आज रेवाड़ी के पंजाबी समाज ने बहिष्कार करते हुए कल अपनी दुकानें बंद कर प्रदर्शन करने का अहम फैसला लिया। समाज के वरिष्ठ लोगों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि दोषी आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नुकसान की भरपाई जाटों से करवाकर पीड़ितों के साथ उचित न्याय किया जाए। हमने एक ही फैसला लिया है कि जो हमारे समाज का नुकसान हुआ है, जिन भाइयों की दुकानें जली हैं, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, ये सन 1947 से भी ज़्यादा दंगा था, जिसके अंदर उनका कसूर क्या था, हमने उनके आरक्षण के अंदर कोई रोड़ा नहीं अटकाया है। हमारी सरकार से ये डिमांड है कि उनका ये जो मुआवजा है उनको यकमुश्त दिया जाए और उनको वहाँ पर आबाद किया जाए और हमारी सुरक्षा की गारंटी ली जाए कि प्रशासन की देखरेख के अंदर प्रशासन ने कुछ नहीं किया और ये दुकानें हमारी बिरादरी की चुन चुन कर जलाई गई। क्या कल बाजार भी बंद रखा जाएगा? सिर्फ पंजाबी समाज रखेगा, उसके बाद मीटिंग बुलाई जाएगी और उसके बाद हम और समाज से भी जो है इसकी सहयोग मांगेंगे। वहाँ से एक अहम सवाल कि जो CM है वो भी पंजाबी है, पंजाबी कौम से ताल्लुक रखते हैं, लगता है कि वो पंजाबियों का फेवर लेंगे? वो पंजाबी के साथ जो अन्याय हुआ, देखिए CM का काम तो सबका साथ देना होता है, लेकिन ये बात उनको हजम नहीं हो पाई थी कि पंजाबियों का CM कैसे बना, जाटों का क्यों नहीं बना, ये एक प्री प्लानिंग थी जो ये काम किया गया। रेवाड़ी से अजार TV न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।